हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन सब विषयों पर जो इतना ज़ोरदार बहस हो रहा है उसके ऊपर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ठीक है, ये मसला हो रहा है, लेकिन इस पर चुप्पी क्यों है बड़े बड़े नेताओं की? मसलन प्रधानमंत्री मोदी हो, या हमारे विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, जो भी बड़े नेता हैं जो भारतीय राजनीति को चलाते हैं, वे सब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? दरअसल इन सब के पीछे इन सब की एक मिली भगत है। अब मैं मिली भगत क्यों कह रहा हूँ? मैं मिली भगत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसी समय में इस देश में कितनी महंगाई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। सबको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई है। लेकिन चूंकि कुछ राज्यों में रीजनल पार्टीज की सरकारें हैं, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो ये सब इसलिए चुप हैं क्योंकि जनता जो है अपना ध्यान अभी मंदिर मस्जिद में कर रखा है। हम सब इतने भावुक हैं, भारत के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे इतने भावुक हो जाते हैं कि मरने या मारने पर आतुर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि सदियों से हम मिलजुल कर रह रहे हैं। भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ सभी धर्म एक साथ फल फूल रहा है। ऐसा नहीं कि एक धर्म दूसरे धर्म को कुचल रहा है, कम से कम आज़ादी के बाद तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। लेकिन एक खास वर्ग है जिनको इन सब चीज़ में बहुत मज़ा आता है और इससे पॉलिटिकल डिविडेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब लोग वोट करते हैं भाई धर्म के नाम पर। धार्मिक जो हैट्रिड है वो बहुत प्रोडक्टिव है इन इंडिया। इस वजह से सभी सरकारें खामोश हैं महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, जॉबलेस के ऊपर, और मंदिर मस्जिद में हम लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें उलझा कर रखा है ताकि हमारी सोच उस डायरेक्शन में जाए ही नहीं। नहीं तो क्या वजह है? अगर आप नरेंद्र मोदी चाहें या राहुल गांधी चाहें तो वे दूसरे मुद्दों पर बोलकर मीडिया का ध्यान सही रास्ते पर ला सकते हैं, पर नहीं। मीडिया भी आजकल की मीडिया ऐसी है कि बस TRP और व्यूअरशिप चाहिए। अब चूंकि ये इमोटिव इशू है, लोग भावुक हो जाते हैं जब बात मस्जिद की आती है। आप ज्ञानवापी पे ले लीजिए, ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर देखिए, हर कोई वोकल है, हर कोई को लगता है कि उनका स्टैंड जो है सही है, चाहे वो मंदिर की तरफ हो, कुछ लोग मस्जिद की तरफ हैं। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा कि ये गैर जरूरी चीज़ें हैं। इस देश में अस्पताल की ज़रूरत है, इस देश में स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, मंदिरों की संख्या भी बहुत है, मस्जिदों की भी संख्या बहुत है। नहीं चाहिए नए मंदिर? हर गली में हम लोग को मंदिर मिल जाते हैं, मस्जिद मिल जाता है, फिर ज़रूरत क्या है, क्यों लड़ना? और लड़ाई फ्यूचर नहीं हो सकता है। अगर हम आज लड़ाई और जहर का बीज बो रहे हैं तो ये आगे जाकर फसल बनेगा, और ये फसल हम सबको ही काटने होंगे, हमारे बच्चों को काटने होंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसा बीज मत बोइए। अब इतिहास में तो बहुत कुछ होना चाहिए था। अब सोचिए कि मीडिया के धर बता रहा है, या इवन कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर अगर शिवलिंग है तो उसको सील कर देना चाहिए, उस एरिया को, अब आगे जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की शौक ज़रूर हुआ कि एक मस्जिद के अंदर अगर शिवलिंग था तो खुद, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी, खासकर वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनको कुछ चाहिए था कि भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए उसे हिंदुओं के लिए खोल देना चाहिए था, या फिर मस्जिद का निर्माण कहीं और कर लेना चाहिए था। क्यों विवाद को बढ़ावा दें अगर वहाँ पर मस्जिद मंदिर का ढांचा मौजूद है? तो ये तो ज़बरदस्ती वाली ही बात हो गई ना कि मंदिर के ऊपर तोड़ कर मस्जिद बनाना। और औरंगजेब का माइंडसेट समझ में आ सकता है, क्योंकि वो इस्लाम को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट था उसमें। उस दौर के सभी राजा लगभग ऐसा ही करते थे कि जो धर्म को सब्सक्राइब करते थे उस धर्म को फैलाने के लिए वो किसी भी हद पर जाते थे। औरंगजेब का तो लंबा इतिहास था मंदिरों को तोड़वाने का, तो उस समय मंदिर तोड़ा समझ में आता है। लेकिन आज़ादी के बाद तो भारत एक सेकुलर कंट्री बना और सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये देश सभी के लिए बना और सभी लोग मिलजुल कर रह भी रहे थे। तो ऐसे में चुप्पी साधना वहाँ, खासकर वहाँ के लोकल, मैं सभी मुसलमानों के बारे में नहीं कहूँगा, पर वहाँ के लोकल मुस्लिम लोग, वो लोग चुप्पी साधे हुए थे। हिंदू संगठन डिमांड कर रहे थे, अब आपस में बैठकर ही रास्ता निकाल लेते हैं, फिर कोर्ट जाना पड़ा लोगों को। तो दोस्तों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो भी विवादित ढांचा है वहाँ पर उदार
थोड़ा उदारपन दिखाना चाहिए मुसलमानों को, और ऐसी जगहों पे मस्जिद या तो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए खुदा की इबादत आप कहीं भी कर सकते हैं। और चूंकि वो वहाँ पर अगर प्रूफ मिलता है, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी मस्जिद ही गलत हैं, लेकिन अगर वहाँ पर उसके अंदर अगर कोई मंदिर का ढांचा है, तो लेट्स हैव सम हार्ट, शो लव, शो रिस्पेक्ट टुवर्ड दी ब्रदरहुड एंड हारमोनी ऑफ इंडिया। इतना तो करना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस आप भटकिए नहीं, महंगाई ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद नहीं। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।